रहीम अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम के प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमने सबक पढ़ना है, जो हमने कल बकाया पिछली जमात में पढ़ा था, वफादार नौकर, सबक नंबर 31 सफ़ा नंबर 110, उसी का हम बकाया हिस्सा पढ़ेंगे। लेकिन बकाया जो नया सबक पढ़ने से पहले पिछले हिस्से का थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूँ, आपको याद दहानी करा दूँ। इसमें अब्दुल हमीद इससे पूछ रहा था कि तुम्हारे 10 नौकर कैसे हैं, जिसके बारे में दानिशमंद अब इस तरह से जवाब देता है। अगला पैरे में देखें, नए सबक में, एक दो क्या मैं 200 के नाम बताइए देता हूँ। सुनिए, दो आँखें, दो कान, दो हाथ, दो पांव, एक नाक, एक ज़ुबान, ये 10 के 10 मेरे ऐसे वफादार नौकर हैं कि मेरे दिल के इरादे तक जानते हैं, फौरन हुक्म मानते हैं। यहाँ पर दानिशमंद इंसानी अज़ा की तरफ इशारा कर रहा है कि दो कान, दो हाथ, दो पांव और एक नाक और एक ज़ुबान, जो मेरे दिल का, यानी वो भी जिसका दिल चाहता है कि मैंने ये काम करना है तो वो हरकत पहले से करते हैं, इनको वो अपना नौकर समझता है। मास्टर साहब भी दरवाजे में खड़े इन दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अब सुनिए मास्टर साहब ने उनसे क्या कहा, दानिशमंद शाबाश, बेशक तुम्हारे नौकर बड़े वफादार हैं और ऐसी खिदमत करते हैं जो दूसरा कभी नहीं कर सकता। अब्दुल हमीद, तुम भी अपने इन्हीं नौकरों से काम लिया करो तो दूसरों के कभी मोहताज ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे जो थे दानिशमंद और अब्दुल हमीद की बातें, मास्टर साहब दोनों बच्चों की बातें सुन रहे थे। जब वो सुनते हैं तो वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और वो ये बातें सुनकर उसके दिल पे लगती हैं, मास्टर साहब के दिल पे लगती हैं, और वो जो मालदार बच्चा होता है अब्दुल हमीद, उसको भी नसीहत करते हैं। मास्टर साहब की बात अब्दुल हमीद के दिल में घर कर गई। इसने भी बस्ता बांधा, अकेले घर की राह ली और फिर कभी नौकर से वाबस्ता उठाकर ना आया। जब बच्चे मास्टर साहब उसको नसीहत करते हैं तो इस तरह से ये बात अब्दुल हमीद के दिल पे लग जाती है और वो इससे मुतासिर होता है, बजाय इसके कि वो उसको उल्टा ले, उससे वो मुतासिर हुआ, उसने सीधी राह पकड़ी और बस्ता बांधा और घर की तरफ रवाना हुआ और दोबारा उसने किसी नौकर से काम नहीं लिया। इस सबक में हमने क्या सीखा? हम अपना काम खुद करने से इंसान की इज़्ज़त कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। मतलब वो इंसान जो मैंने आपको शुरू में वजाहत की थी, वो कभी दूसरों का मोहताज नहीं होता और ना किसी की बातें सुनता है। इसमें आप नए अल्फाज देखें, दानिशमंद, अकलमंद, सलेट, वो तख्ता मैंने आपको बताया था लोहे का पतला सा होता है जिस पर सलेटी से लिखा जाता है, काले रंग का तख्ता होता है, मी बारिश, अछूपता अनछूपा, खैरियत, दसों दस, दिल में घर कर जाना, दिल में जगह बना लेना। मश देखें, दिए गए सवालात के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अब्दुल हमीद, सवाल नंबर अलिफ, अब्दुल हमीद स्कूल किस तरह आता था? सवाल नंबर बे, दानिशमंद की आदतें कैसी थीं? सवाल नंबर जीम, अब्दुल हमीद ने अपने नौकरों को काम चोर क्यों कहा? दाल, दानिशमंद ने अपने कौन से 10 नौकर गिनवाए? वाह, सबक में असली और कराए के नौकर से क्या मुराद हैं? दाल, वाओ, मास्टर साहब ने अब्दुल हमीद को क्या नसीहत की? मश नंबर दो, दर्ज़ेल को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दानिशमंद, मी, अनचुम्बा, कामचोर, वफादार, दिल में घर कर जाना। कहानी सबक मश नंबर 3, कहानी में हम सबको जो सबक दिया गया से अपने अल्फाज में लिखी। बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल दोबारा अगली जमात में आपको इसकी मश्क करवाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हुआ होगा। अगली जमात के लिए इजाज़त चाहते हैं, घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।